मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। शिवाजीनगर का इलेक्शन होने वाला है और हम लास्ट 7 दिन से ग्राउंड का सर्वे कर रहे थे। उस सर्वे का जो रुझाव है मैं आपके सामने रखता हूं। हमारे साथ हैं जाकिर साहब, हमारे साथ हैं रिजवान असद और सादिक साहब। इन लोगों से पूछेंगे ये रुझाव का कारण क्या है। पहले आपको रुझाव बताता हूँ किसको कितना परसेंट वोट मिल रहा है, बाद में इस पर डिस्कशन करेंगे। तो आपको बताऊँ जो रुझाव है बीजेपी को मिल रहा है ये पॉइंट ऑफ टाइम, ये सर्वे अभी तक क्या, आगे क्या होगा वो बाद में देखेंगे। 45% बीजेपी को शेयर मिल रहा है, कांग्रेस को 42% है, SDPI 7% पे है, JDS 4%, अदर्स एंड नोटा को मिला के 2%। जाकिर साहब आपसे पहला क्वेश्चन कि ये रुझाव देख के क्या लगता है आपको, ऐसा रुझाव क्यों? देखिए शिवाजीनगर जो है इट्स ऑलवेज बीन अ कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ है एंड बेग साहब फॉर द पास 7 टर्म्स इलेक्टेड हुए हैं, रोशन बेग साहब जो कांग्रेस के थे निर्दा थे। एंड अगर लग रहा है कि अगर आपका सर्वे कह रहा है कि बीजेपी अच्छा टक्कर दे रहा है, विच मीन्स दैट ये जो SDPI और GDS हैं दे आर गुड कैंडिडेट्स, दैट्स व्हाट इट मींस। ओके तो मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस अभी पीछे क्यों है, क्योंकि JDS और SDPI के कैंडिडेट्स आने की वजह से पीछे हो गए। और जब तक हमारे मिलकर एक पूरे लोग एक दिमाग एक सोच बना कर नहीं डालते तो कांग्रेस को बहुत नुकसान होगा। अच्छा क्या कहते हैं आप फरहान साहब? देखिए सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी इसके, लोग को उम्मीद है कि 4 कैंडिडेट तो कोई भी जीत सकता है। तो अब ये जो नई 2 पार्टीज आई हैं तो इसमें उम्मीद आ गई है बेसिकली। अगर से चॉइस सिर्फ 2 है ये तो लोग चूज कर लेंगे। तो हमें पता नहीं है कि क्या उम्मीद किसकी ज़्यादा है, कि कांग्रेस की है कि SDPI की है कि JDS की है। तो ये आप बताएंगे, अगर से आप बताएंगे कि हमें ये जीतने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, तो अगर से मैं SDPI को सपोर्ट करता भी हूँ तो मैं नहीं करना चाहिए। वी शुड वोट फॉर समथिंग विच ऑल कैन विन, ये मेरा सुझाव है। आप ये कहना चाहते हो एक पार्टी जो विनिंग पार्टी है और अच्छी है उसको आप सेलेक्ट करते हैं? ऑफ कोर्स। जाकिर साहब एक सवाल और है, क्या जो मुस्लिम वोट है जिसके ऊपर लोग बहुत बात कर रहे हैं क्या वो डिवाइड हो रहा है? सी मैं डिवीजन के नजरिया में नहीं देखना चाहता हूँ। आई सी के SDPI का बहुत अच्छा कैंपेन चल रहा है एंड दे हैव अ वेरी गुड यू नो पॉलिसीज। और जो तनवीर साहब हैं JDS के, इनकी कैंपेन भी बहुत अच्छी है एंड द वे ही इज डूइंग इट इट्स रियली गुड। आई मीन आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय बोथ द थिंग। तो मैं ये नजरिए से नहीं देखता हूँ कि किसका वोट बट रहा है नहीं बट रहा है। लेट द बेस्ट मैन विन, द बेस्ट पार्टी जो भी है लेट देम विन। अब इन हाउ मुस्लिम्स वांट टू वोट इट्स अप टू देम। अगर वो चाहते हैं कि SDPI विन होए लेट देम विन, अगर चाहते हैं कि JDS अच्छा कैंडिडेट है लेट देम सेलेक्ट। ये नेसेसरी नहीं है कि हमेशा मुसलमानों को कांग्रेस को ही वोट देना चाहिए। आपने एक बात कहा तो क्वेश्चन उससे रिलेटेड, आपके हिसाब से क्या लगता है कौन जीतेगा? मैंने सर्वे नहीं किया। अच्छा ठीक, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये दिस अ फैक्ट दैट द वोट्स विल बी डिवाइडेड बिटवीन JDS SDPI एंड कांग्रेस। द नीड ऑफ द आर इज दैट वी शुड बी यूनाइटेड एंड सी दैट बेटर कैंडिडेट्स अमंग द 3 हु इज द बेटर कैंडिडेट एंड द विनिंग हु इज द विनिंग फैक्टर वी शुड सपोर्ट देम। और एक कोशिश भी चल रही है सब जगह कि एक आदमी को जिताइए जो विनिंग कैंडिडेट है, और ऐसे 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 पार्टी को जिताइए जाके कल BJP से ना मिले। अब JDS की बात करें तो कुमार स्वामी और देवेगौड़ा ने ऐलान कर दिया है कि वो BJP को नहीं गिराएंगे। हालांकि तनवीर अच्छे आदमी है, बहुत अच्छा कैंपेन चल रहा है, लेकिन आपको लोग को एक पिक्चर आ गया है कि अगर हम तनवीर को वोट दिए तो BJP का सपोर्ट होगा। तो तनवीर को वोट देना तो मुसलमान रूल्ड आउट हो गया है। अभी कांग्रेस की जो कैंपेन चल रही है तो सब लोग एक हो रहे हैं, सब लोग मीटिंग हो रही है और सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि एक पार्टी को लेके आएंगे। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि JDS इज इक्वल टू BJP? नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, सब लोग कह रहे हैं। आपने अभी नहीं, 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 मैंने बोला उनके लीडर ने कहा कि JDS सपोर्ट कर रहे हैं। तो लेट्स वेलकम टू कुमार स्वामी। पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, आज ये बोले तो कल कांग्रेस और JDS मिलकर गवर्नमेंट भी बना सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन अभी महाराष्ट्र में जो हुआ, 12 बजे इनकी गवर्नमेंट बनना थी, सवेरे 8 बजे कोई और बन गया। और एक सबसे बड़ी अहम बात ये है कि जब तक हमारे मुसलमान भाई बहन आकर बाहर वोट नहीं डालते बड़ी तादाद में, बहुत मुश्किल पड़ेगा हमको। सिर्फ 50% वोटिंग होती है मुस्लिम्स की। ये आपने बहुत सही कहा रिजवान साहब कि जो मुस्लिम एरिया में वोट है ना बहुत कम होते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इस बार
पूरे आके वोट डालो, ये बहुत ही जरूरी। आपका पॉइंट बाकी रहा, क्या बोलेंगे फरहान साहब? बहुत सिंपल सी चीज है कि चलिए कोई गेम ही खेल लेते हैं, पॉलिटिक्स को गेम रख लीजिए, बच्चे भी वही गेम खेलेंगे जो वो जीतते हैं, छोटे बच्चे भी रख लीजिए। तो हम लोगों को समझना चाहिए कि उस साइड पे खेलें जहाँ पे जीत है। व्हाई डू यू वांट टू प्ले अ गेम जहाँ पे हार है? कोई भी छोटी पार्टी है, वोट डालेंगे, उम्मीद से डालेंगे, बट व्हेन यू नो व्हेन यू लूजिंग, वो गेम खेलना ही क्यों है? छोटे बच्चे भी नहीं करते। तो हम लोगों को समझना चाहिए कि वही गेम खेलिए जहाँ पे जीत है और उसी हिसाब से खेलिए। अब ये गेम की बात की तो एक पॉइंट आ गया, आपसे शुरू करूँगा जाकिर साहब, कि ये जो वोटिंग होती है इसको कोई भी कम्युनिटी हो, एक समझ की बात है और एक समझदारी की बात है, एकजुट होके किसी भी पार्टी का अफसर, मैं किसी पार्टी के नाम नहीं ले रहा, किसी पार्टी के पास एक एजेंडा बना के जाएं और कहें कि हमारे पास 100 लोग हैं, 200 हैं, 400 हैं, हम सब मिलके आपको सपोर्ट करेंगे और आप हमारा ये काम कर दीजिएगा। क्या ऐसा लगता है मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसा होता है? हाँ में ना जवाब दीजिएगा, लंबा नहीं। ऐसा होता है लेकिन डिमांड्स नहीं रखते जाते हैं, मतलब मुसलमान बहुत सारे ऐसे यूनिटी की बात तो कर लेते हैं लेकिन अपनी डिमांड्स नहीं रखते, तो फायदा नहीं हुआ ना। एग्जैक्टली, आप क्या बोलेंगे? जब हम वोट डालते हैं तो हमारे एक डिमांड रखना चाहिए कि हमारे एरिया में काम करना चाहिए, अगर नहीं करे तो पांच साल। अभी तक हो रहा है कि नहीं? रे नहीं, बहुत जगह काम हुआ है, बहुत सी जगह नहीं हुआ है। डिमांड रखे हैं, डिमांड रखे हैं और कुछ डिमांड्स फुलफिल भी हुए हैं, नहीं भी हुए हैं। 100% डिमांड फुलफिल नहीं होते। मैं ये सोच रहा हूँ कि हम कम्युनिटी के नज़रियों से देखें तो हमारे जो डिमांड्स हैं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम ध्यान दें। शिवाजीनगर एक तरफ फुली डेवलप है, एक तरफ अंडर डेवलप है, तो हम ये सोचना चाहिए कि यही के हम इसको वोट दे रहे हैं, अगर वो काम नहीं किया पिछले अगले पाँच साल हम दूसरे आदमी को देंगे, तो अगर वो सोच हमारे रहे तो वो सामने वाला काम करेगा हमारा। अरे भाई ये पाँच साल में नहीं काम किया, वो दूसरे आदमी को देगा। जब तक तुम उसको जाके नहीं बोलते और वो काम नहीं करता और तुम्हारी सोच नहीं बदलती तो दे टेक यू फॉर ग्रांटेड। मेन मुद्दा यही है कि ग्रुप यूनाइट होके किसी को भी वोट दे रहे दीजिए, लेकिन अपना डिमांड भी रखिए सामने, हम सपोर्ट करेंगे, हमारा ये काम होना चाहिए। आप कुछ कहना चाहते? जो आपका जो क्वेश्चन था, हाँ, कि आप बता रहे थे कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जी ये नहीं हो रहा है, फ्लैटली बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर से 2 या 3 मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े हैं तो ये नहीं हो रहा है। वेरी सिंपल, ये क्यों नहीं हो रहा है? That we have to answer. Unite होना सही है, but definitely ये नहीं हो रहा है। और ये लोग जो leaders हैं, जो खड़ रहे हैं, more than 5-6, ये basically हमको कमज़ोर कर रहे हैं। They should understand this first. पहले उनको मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, उनको अपने में एक leaders choose करके सबको support करना चाहिए। They itself are dividing us. ये support कहाँ कर रहे हैं? ये हो रहा है। ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, इस पे शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए और रोशनी डाले। और मैं अपने व्यूवर से ये कहना चाहूँगा, ये सिर्फ हमारा सर्वे था, मैंने आपको सर्वे रखा हूँ, सर्वे आपके सामने रखा हूँ, आप अपना दिमाग लगाइए, अपने डिमांड को सामने रखिए अपने लीडर के साथ, और अपने डिमांड के हिसाब से आप जज कीजिए किसको वेट देना ज़रूरी होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।